Hi, welcome to PLP Advisory Services. My name is Anil Verma, and today in this video, I am going to give you a detailed information about an upcoming residential launch on multi-utility corridor of Gurgaon. मैं बात करने जा रहा हूँ गोदरेज का अपकमिंग रेसिडेंशियल लॉन्च जो कि आपका सेक्टर 89 में होने वाला है. मेन मल्टी यूटिलिटी कॉरिडोर की जो रोड है वहां से इसको एंट्रेंस मिलेगी. तो इस वीडियो में डिटेल्ड में बात करूंगा प्रोजेक्ट के बारे में, लोकेशन के बारे में, सराउंडिंग कैसी है और क्यों यहां पर आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए. इसी तरह की वीडियोस लगातार मैं अपने चैनल पर डालता रहता हूं. आपसे कोई भी इन्फॉर्मेशन मिस ना हो तो उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें. बात करते हैं पिछले 1.5 से 2 साल के अंदर. तो आपने देखा होगा जो ए ग्रेड बिल्डर्स हैं, वो चाहे DLF हो, शोभा हो, आपका गोदरेज हो, हर बिल्डर लगातार प्रोजेक्ट्स पे प्रोजेक्ट लेके आ रहे हैं. दिस हैज बीन अ गोल्डन पीरियड फॉर रियल एस्टेट. गोदरेज ने हाल ही में भी एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया था, गोदरेज एरिस्टोक्रेट, जो कि आपका सेक्टर 49 के अंदर लॉन्च हुआ था. जो टोटल जो आपका वैल्यू था प्रोजेक्ट का वो 2600 करोड़ था. 2600 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया है गोदरेज ने 3 से 4 दिन के अंदर. प्रोजेक्ट सोल्ड आउट हो गया है. उसी की सक्सेस को रेप्लिकेट किया था इन्होंने नोएडा के अंदर और उसी की सक्सेस को रेप्लिकेट करने जा रहे हैं सेक्टर 89 के अंदर. जैसा कि हम जानते हैं गोदरेज का जो कोई भी प्रोजेक्ट होता है, कोई भी लॉन्च होता है, वो किसी ना किसी थीम पे बेस्ड होता है. जैसा कि एरिस्टोक्रेट था वो आपका फॉरेस्ट थीम पे था और जो ये प्रोजेक्ट है आपका वो आपका बेस्ड है वेलनेस थीम. अगर मैं प्रोजेक्ट की बात करता हूँ तो 14.5 एकड़ का ये लैंड बैंक है जो आपको एंट्रेंस देता है मेन मल्टी यूटिलिटी कॉरिडोर से. इसके अंदर आपको 9 हाई राइज रेसिडेंशियल टावर्स मिलते हैं जिसमें आपको मिलते हैं 2 BHK, 3 BHK और 4 BHK रेसिडेंशियल अपार्टमेंट्स. बात करता हूँ साइजेस की तो जो 2 BHK का साइज है वो आपका रफली 1350 square feet का रहने वाला है. 1800 square feet के आपको इसमें मिलते हैं 3 BHK और 2800 square feet में आपको मिलता है 4 BHK. जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि ये एक थीम बेस्ड प्रोजेक्ट है तो इसमें गोदरेज ने वेलनेस थीम को लेकर आए हैं जिसमें आपके 3 चीज़ों को कवर करने की कोशिश की है, फिजिकल वेलबींग, मेंटल वेलबींग और सोशल वेलबींग. और फर्दर अगर मैं एमिनिटीज़ की बात करता हूँ तो 1.4 किलोमीटर का इसमें आपको एक हेल्थ लूप मिलता है, आपको 100 मीटर के इसमें एथलेटिक ट्रैक्स मिलते हैं, आपको बटरफ्लाई गार्डन मिलता है. कहने का मतलब यह है कि जो एमिनिटीज आपको एक अल्ट्रा लग्जरी अपार्टमेंट के अंदर मिलती है, अल्ट्रा लग्जरी प्रोडक्ट के अंदर मिलती है, वो सारे एमिनिटीज आपको इस प्रॉपर्टी के अंदर गोदरेज ने प्रोवाइड करने की कोशिश की है. इसके साथ साथ ही इसमें आपको 4 लेवल का एक क्लब हाउस भी मिलता है जिसमें आपको रूफ टॉप पे ओलंपिक लेंथ पूल भी प्रोवाइड किया जाएगा. इसी के साथ इसमें क्लब में आपको एक वेलनेस सेंटर भी मिलता है जो कि आपका मोर देन 3000 स्क्वायर फीट में फैला हुआ है. स्क्वैश कोर्ट आपको मिलता है, आपको बैडमिंटन कोर्ट मिलता है. इसी तरह की एमेनिटीज आपको इंडोर और आउटडोर दोनों जगह पे मिलती है. इसके साथ साथ ही गोदरेज ने एक नई थीम जो कि अपने प्रोजेक्ट गोदरेज एयर से लेकर आए थे, आपको इसमें CTFA पावर्ड आपको होम्स मिलते हैं जहां पर आपको लगातार फ्रेश एयर मिलती है. तो कहीं ना कहीं जो एयर क्वालिटी है आपको अच्छी मिलती है अपने अपार्टमेंट्स के अंदर, जो एक बहुत ही बड़ा कंसर्न है दिल्ली NCR के अंदर. इसके साथ साथ इसमें आपको लैविश डबल हाइट लिफ्ट लॉबी मिलती है. आपकी जो लॉबी की जो एरिया रहेगा वो 1350 square feet मिनिमम लॉबी एरिया रहता है. तो इस प्रोजेक्ट में अल्ट्रा लग्जरी एमेनिटीज देने की कोशिश की है गोदरेज ने एंड आई होप दिस इज गोइंग टू बी एन अनदर सक्सेसफुल प्रोजेक्ट फॉर गोदरेज प्रॉपर्टीज. अब बात करते हैं लोकेशन की. तो लोकेशन जो है वो है सेक्टर 89 जो आपका आता है न्यू गुड़गांव के अंदर. मल्टी यूटिलिटी कॉरिडोर जो कि 135 मीटर वाइड रोड है. एक साइड आपको कनेक्ट करती है द्वारका एक्सप्रेसवे से, दूसरी तरफ आपको कनेक्ट करती है न्यू गुड़गांव और पटौदी रोड से. तो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉरिडोर है. और अगर मैं बात करता हूँ यहाँ से द्वारका एक्सप्रेसवे की, जो कि एक बहुत ही अच्छा इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी माना जाता है, जहां पर एप्रिसिएशन प्रॉपर्टीज में पिछले 1.5 से 2 साल के अंदर सबसे ज्यादा हुआ है एंटायर गुड़गांव के अंदर, तो वो इस लोकेशन से 2 से 3 मिनट की ड्राइव पर है. आपका जो क्लोवर लीफ है यहाँ से 5 से 7 मिनट की ड्राइव पे है. जो मेन लोकेशंस है आपकी गुड़गांव की, SPR हो गया, गोल्फ कोर्स रोड हो गया, गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड हो गया, वो आपके 10 मिनट से लेकर 20-25 मिनट की ड्राइव पर मिल जाती है. तो
बहुत ही सेंटर की लोकेशन है। यहाँ से एनएचएच की बात करूँ तो यहाँ से आपको 2 से 3 मिनट के अंदर आप एनएचएच पे आ जाते हो। पटौदी रोड की बात करूँ तो 2 से 3 मिनट के अंदर आप पटौदी रोड पे पहुँच जाते हो। तो बहुत ही सेंटर की लोकेशन है जहाँ से आप गुड़गांव एनसीआर की इंपॉर्टेंट लोकेशन को इजीली एक्सेस कर सकते हो। अपकमिंग जो ISBT है, जो प्रपोज्ड ISBT है, जो आपका द्वारका एक्सप्रेसवे या जो न्यू गुड़गांव में आना है, वो भी यहाँ से 2 से 3 मिनट के डिस्टेंस पर ही है। आपका जो हेलीपोर्ट आना है वो भी यहाँ से 2 से 3 मिनट के डिस्टेंस पे है। इस तरह की बहुत सी जो अपकमिंग डेवलपमेंट है दिल्ली NCR के अंदर, जो गुड़गांव के अंदर होनी है, वो यहाँ से आपके सराउंडिंग में ही लगती है। तो अपने आप में ये लोकेशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लोकेशन है। और 1100 एकड़ की ग्लोबल सिटी, जो कि आपका टॉप ऑफ द टाउन है, बहुत ही एम्बिशियस प्रोजेक्ट है हरियाणा गवर्नमेंट का, वो भी आपका 2 से 3 मिनट की ड्राइव पर ही लगता है। तो जो सराउंडिंग है इस प्रोजेक्ट की, वो बहुत ही प्रॉमिसिंग है। तो कहीं ना कहीं लोकेशन मुझे ऐसी दिखती है कि जहाँ पे अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो 3 से 4 साल का होराइजन लेके, तो एक आपको बहुत ही अच्छा एप्रिसिएशन आ सकता है। सराउंडिंग की अगर मैं बात करता हूँ कि सराउंडिंग में यहाँ पे रेसिडेंशियल और कमर्शियल कैचमेंट किस तरह का है, तो उसमें मैं आपको बता दूँ कि बिल्कुल इसके साथ में ही आपको स्मार्ट वर्ल्ड M3M की टाउनशिप्स लगती है। अपोजिट साइड में आपको SS का लैंड बैंक आ जाता है, जहाँ पर SS ने प्लॉट्स बेचे हैं, हाई राइज प्रोजेक्ट्स बनाए हैं, लो राइज फ्लोर्स बनाए हैं, तो वो भी आपका बिल्कुल पास में ही लगता है। कमर्शियल कैचमेंट की बात करूँ तो आयरिस ब्रॉडवे और जो आमिया सफायर है, वो वहाँ से 2 से 3 मिनट की ड्राइव पर आपको मिल जाता है। तो किसी भी तरह की आपकी नीड हो, रेस्टोरेंट की नीड हो, या फिर आपको कुछ भी शॉपिंग करनी है, तो 2 से 3 मिनट की ड्राइव पर आप इन दोनों लोकेशंस पर पहुंच सकते हैं। स्कूल्स की मैं बात करूं तो अच्छे अच्छे स्कूल, चाहे वो DPS हो, सेंट जेवियर हो, वो आपके सराउंडिंग में ही आपको मिल जाते हैं। तो लोकेशन ऐसी है कि आज भी वहां पे जो हैबिटेशन है काफी अच्छी है। इसके अलावा थोड़ा सा अगर आप आगे जाते हो तो DLF के भी टाउनशिप्स वहां पे लगती है। लो राइज है, हाई राइज है, हर तरह की टाउनशिप्स है DLF के पास भी वहां पे, वो भी आपके बिल्कुल पास में ही आ जाती है। तो जो सराउंडिंग है आपकी, वो काफी रिच है, काफी अच्छी कनेक्टिविटी के साथ आपको सराउंडिंग मिल जाती है। गोदरेज प्रॉपर्टीज लगातार लॉन्चेस करते जाएंगे। इस साल सेक्टर 89 के लॉन्च के बाद दे आर कमिंग अप विद सेक्टर 103, जो कि आपका द्वारका एक्सप्रेसवे पे पड़ता है। इसके बाद दे हैव अ रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी इन, दे हैव अ रेजिडेंशियल लैंड इन सेक्टर 54। सेक्टर 54 आपका पड़ता है गोल्फ कोस्ट रोड पर, जो कि सबसे कॉस्टली लोकेशन में से गिनी जाती है। गोल्फ कोस्ट रोड पर अगर आप देखोगे तो DLF के बहुत ही प्रीमियम प्रॉपर्टीज है, तो उसी के आसपास ही ये लोकेशन पड़ती है। इसके साथ साथ ही गोल्फ कोर्स रोड पे एक और सेक्टर है 43, जहाँ पर इनके पास एक और लैंड पैच है, वहाँ पर भी इनके रेसिडेंशियल प्रॉपर्टीज आने वाली है। तो कुल मिला के दिल्ली गुड़गांव के अंदर इनके 3 प्रोजेक्ट आने वाले हैं, दिल्ली के अंदर भी एक लॉन्च करने वाले हैं और नोएडा के अंदर भी एक अदर लॉन्च करने वाले हैं। प्राइसिंग की बात करें तो प्राइसिंग मुझे लगता है कि इस लोकेशन पे जो प्राइसिंग है आपकी काफ़ी अच्छी आएगी। और अगर हम कंसीडर करें इनकी एमिनिटीज़ को, गोदरेज जाना जाता है वर्ल्ड क्लास एमिनिटीज़ प्रोवाइड करने के लिए, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट इनकी हमेशा अच्छी रहती है, अल्ट्रा लग्जरी आपको अपार्टमेंट्स मिलते हैं, तो जो प्राइसेस है वो भी इनके टेंटेटिवली आ चुके हैं, जो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि उस लोकेशन के हिसाब से अच्छे हैं। और इसमें अब EOI का प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है। किस तरह से उस प्रोसेस को आप फॉलो कर सकते हैं, किस तरह से आप उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, उसके लिए आप हमारे नंबर्स पे हमें कॉल कर सकते हैं, विच आर मेंशन्ड ऑन दिस यूट्यूब वीडियो स्क्रीन। इसके साथ साथ भी इफ़ यू आर लुकिंग फॉर ए ग्रेड डेवलपर्स लॉन्च इन द सिमिलर लोकेशन, तो DLF का सेक्टर 77, सेक्टर 76 में, जहाँ पे इनके पास एक बहुत ही बड़ा लैंड पैच है, वहाँ पर एक नया लॉन्च आने वाला है, जहाँ पर आपको अल्ट्रा लग्जरी 4 BHK मिलते हैं। तो अगर आप उसमें पार्टिसिपेट करना चाहते हो तो उसके लिए भी आप हमें कॉल कर सकते हैं। अगर आप लो बजट में या थोड़े से कम बजट में न्यू गुड़गांव में ही प्रॉपर्टी देख रहे हैं, तो आशियाना अमारा का थर्ड फेज लॉन्च होने वाला है, उसमें भी आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इसके साथ साथ ही सेक्टर 36A में, जहाँ पर कृसुमी के पास 65 एकर्स का लैंड बैंक है, कृसुमी इज गोइंग टू लॉन्च फेज 3 वेरी सून। तो अगर आप एक ए ग्रेड प्रॉपर्टी चाहते हो बहुत ही अच्छी लोकेशन पे, तो कृसुमी का जो फेज 3 है, दैट इज अ परफेक्ट लोकेशन फॉर यू। तो उसमें भी EOI का प्रोसेस स्टार्ट हो गया है, कैसे आपको उसमें पार्टिसिपेट करना है, आप उसके लिए हमारे नंबर्स पर हमें कॉल कर सकते हैं। सो इट वॉज ऑल अबाउट गोदरेज अपकमिंग रेजिडेंशियल लॉन्च इन सेक्टर 89। इफ यू हैव एनी क्वेरी जस्ट कॉल अस। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम।